नहीं कहाँ चला गया। हेलो मोनू, तूने हमारा टीवी का रिपोर्ट देखा? नहीं तो? पता नहीं, कल से मिल ही नहीं रहा है, कितना ढूंढा मैंने। पता है बन्नो की शादी का महा एपिसोड आने वाला है। हाँ। कुछ खाएगा? नहीं मम्मी जी, आज माया ने लंच बनाया है। कितना मजाक करता है तू। सोनू तेरे कच्चे धो रही हूँ मशीन में, जो पहनी वो निकाल के दे दे। जरूरत नहीं है मम्मी जी। जरूरत कैसे नहीं है, कल से वही कच्चा पहना है ना। निकाल निकाल। तुम क्या कर रहे हो मम्मी जी, बोला ना जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी हम खाना खा रहे हैं। मोनू जिसका कच्चा साफ नहीं होता ना उसका दिल मैला होता है। हाँ निकाल के दे, धोना है मुझे। डाली कमाल है तेरा है। मतलब कच्चा देख के दिल की बात बता देती है। वेरी गुड। एक काम कर, ये बनियान सूंघ के बता मेरा भविष्य क्या है, बता ना। तुम्हारा भविष्य बताने के लिए ना बनियान सूंघने की जरूरत नहीं है। अबे बोनू, तूने एक बात पे गौर किया है? जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से डॉक्टर की सलाह पर ये अपने पिछवाड़े को रेस्ट दिए जा रहा है। फूल के पहाड़ बन गया इसका पिछवाड़ा। अब लोग ना कंचनजंगा की बजाय इस पे चढ़ाई करेंगे। खाना पसंद नहीं आया क्या? अकेले रहने के बाद ना ये दोनों और भी दर्दनाक लगने लग गए मुझे। कुछ कहता क्यों नहीं? फोड़े को जितना नोचो ना वो उतना ही फैलता है, इससे बेहतर है ध्यान ही मत दो। अबे ये जूस में मिर्ची कौन डाल देता है बार बार? जवाब दो, चुप क्यों हो? कभी कभार फोड़े को खरोचने में भी जो मजा है ना, क्या बताओ मोनू। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। पूरा दिन चलेगा। पहले ये बताइए ना भैया को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे। बेटा मेरी तरफ से तो ये 50 का नोट रख ले और केस को रफा दफा कर। पापा जी मजाक मत करिए, आजकल भैया का मूड कितना ऑफ रहता है, हमें उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। अच्छा मेरी तरफ से भी 50 ले लो, डबल गिफ्ट धमाका। मोनू जरा फोन करके ये दवाइयां मंगवा ली। मम्मी जी क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, एकदम फिट है, एक्सरसाइज की जरूरत है, एक हफ्ते में घर जा सकता है। क्या तेरा मतलब है एक और हफ्ते तक ये हमारे सर पे बैठा रहेगा ठुल्ला? हेलो एवरीवन। हाय भैया। मैं ऊपर आया था बस ये बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आत्महत्या करने। माय बेटा ये पॉपकॉर्न के अलावा कोई दूसरा कॉर्न है? पापा जी ओहो भैया, एक हफ्ते की तो बात है। हाँ हाँ आत्महत्या कौन सी भागी जा रही है? क्या बोलो यार, एक एक दिन मुझे एक एक महीने के बराबर लग रहा है माया। एक हफ्ते में तो पता नहीं खंबे ही नोचने लग जाऊंगा। फिकर मत कर बेटा, हम दोनों हैं ना तेरे साथ, हम तुझसे रोज एक्सरसाइज करवाएंगे। एक तरफ से पापा जी खींचेंगे, एक तरफ से मैं खींचूंगी। डॉली इतना मत खींच, नहीं तो इसका पिछवाड़ा है ना पकौड़े से आलू बोंडा बन जाएगा। हंसी हंसी जोक बन के तो रह गया हूं मैं। सुमित तुम पापा जी से दूर रहो। भैया ऐसी बात मत करिए, हम अभी अभी आपके बर्थडे गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। एक खंजर दे दो सीने में घोपने के लिए। सोनू ऐसी बात ना मजाक में भी मत कर। मेरा बस चले ना तो अगले 36 साल भी तू मेरे साथ ही रहे। पागल हो गई है क्या? 36 जमा 36 72 साल तक ये हमारे साथ रहेगा। तब तक तुम रहोगे कि नहीं ये सोचो पहले। हाँ।
तूने साफ खच्चा पहना है ना आज? क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? मोनू अब तू ही कुछ करना। क्या? अबे मोनू, ये तेरा सड़ू एंड खड़ूस भाई ना दवाई लेता है और ना एक्सरसाइज करता है, बस बैठे बैठे हम पे ताने मारता रहता है। समझा दे उसे, नहीं तो सर फोड़ दूंगा, कह रहा हूं मैं। पता है मोनू, आज नाश्ते पे उसने क्या कहा मुझे, मम्मी जी आपके परोठे में स्वाद नहीं है, मेरे परोठे में स्वाद नहीं है। और पता है कल प्रातः काल की बेला में इस वेले ने मुझसे क्या कहा? क्या? पापा जी आपकी बॉडी से है ना तबेले की बू आती है। हाँ, बल्कि तेरे पापा जी कल एक हफ्ते बाद नहाए भी थे। हाँ बेटा, तू ही समझाना उसे। चल। नहीं, 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 मम्मी जी मैं क्यों? आप लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते? डॉली पते की बात कर रहा है? कहाँ जाए? ऐसा करते हैं, इसके घर चलते हैं ऊपर। क्या? हाँ, अच्छा है ना, इसी बहाने माया को थोड़ा सा किचन का काम सिखा दूंगी। चलो पैकिंग करते। चलो, मेरे अच्छे कच्चे पैक कर लियो हैं। तीन चार ले लेती हूँ। रुकिए 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 रुकिए, आप लोगों को पैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सोनू से बात करके आता हूँ। अबे मोनू मेरे बच्चे, तू परेशान क्यों हो रहा है? देख भाई, हम दोनों तो तेरे बेडरूम के बेड पे सिकुड़ सिकुड़ के सो जाएंगे और तू बाहर का सोफा पकड़ के चौड़ा होके सोइयो। चलो चलो। नहीं, आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग यहीं रुकिए, मैं सोनू से बात करके आता हूँ। और बैठिए बैठिए। सोनू तू एक्सरसाइज कर रहा है? नहीं, मूंगफली करके थे निकाल रहा था। तो फिर मम्मी जी और पापा जी से थोड़ा परेशान लग रहा है। थोड़ा? बुड्ढा बुड्ढी दोनों ना मेरे सर पे खड़े होकर तंबूरा बजाते रहते। यार तू भी कभी उनकी बात समझ लिया कर, वो भी तेरा भला ही चाहते हैं। तो तू उनकी वकालत करने आया है? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मर्जी से। झूठ, सब जानते हैं तू मम्मी जी का पमेरियन कुत्ता है, जब देखो वो तुम्हें अपने इशारों पे नचाती रहती है। तू क्या बक रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, जहाँ डी फेंकी नहीं उन्होंने, वहां तू मिला तो वहां पहुंच जाता है तू। तेरा नाम ना मोनू नहीं टॉमी होना चाहिए था, टॉमी। मैं ना किसी का भी पमेरियन कुत्ता नहीं हूँ। टॉमी टॉमी मूंगफली खाएगा? खाएगा खाएगा। चुप कर यार, सबके सबके पिछवाड़े में दर्द कर रखा है। ले ले मजे, ले ले, उड़ा ले मजाक मेरे सांडगांव का। वैसे तू ही था ना जिसने सारे वाहियात मजाक शुरू किए थे। अबे तू अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहा है? नहीं नहीं, मैं तो तुझ पे गुस्सा हो ही नहीं सकता टॉमी। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, तू सड़ू है सड़ू, और मैं ना पमेरियन नहीं लैब्राडोर हूं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता तू सही, हुआ क्या? आपकी प्रॉब्लम है, मैं बेकार में अपनी इंसल्ट क्यों करवाऊं? मोनो मोनो रुक, कहाँ जा रहा है मैं छोड़ के? तू ना ये गरम गरम पकौड़ी खा। ओहो, टॉमी को पकौड़ा मिल गया। मम्मी जी देख लो इसे। आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए आया हूं, मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाने के लिए। अबे तेरे को हमसे इतनी प्रॉब्लम है तो हमारा घर छोड़ के चला क्यों नहीं जाता? अब चाहते मैं चला जाऊं तो क्या तेरी विदाई के लिए डोली मंगवाऊं? जा अपने घर जा। बस अब और नहीं सुन सकता मैं। मम्मी जी मैं जा रहा हूं, और आप खुश रहिए अपने ये पमेरियन के साथ। सुनो सुनो। हाँ पापा जी, आपके जूस में मिर्ची मैंने डाली थी। तुमने डाली थी? हाँ। हराम खोर, हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तेरी। मम्मी जी इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात है ये? तुम तो जानते हो ना बचपन से थोड़ा सा क्रैक है। क्रैक? मम्मी जी आपका रिमोट खो गया था ना, एक मिनट ये लीजिए रिमोट। मेरा रिमोट तेरे पास? तेरी वजह से बन्नो की शादी का महा एपिसोड मैंने मिस किया है। पता है
तेरी वजह से मैंने देखा भी नहीं कि उसने लहंगा कौन सा पहना था। अभी तुझे देखती हूँ मैं। ओपोजिट मेरा रिमोट तूने छिपाया। डॉली डॉली हटो तुम। डॉली तुम्हें पता है मैंने क्या क्या मिस किया? उसका पहला पति शादी में प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया था। प्लास्टिक सर्जरी? हाँ, और उसकी खोई हुई माँ शगुन के दिन उसको मिली और उसकी होने वाली सास ने बड़ी महफिल में उसकी इंसल्ट कर दी। कुछ नहीं देख पाई मैं इसकी वजह से। निकल जा तू, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा रहा हूँ, अलविदा। मन्नू ने फिर से शादी कर ली। डॉली कंट्रोल कर, दिन में 2:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट है, देख ली। हैप्पी बर्थडे भैया, हम सब आपको विश करने आए हैं केक के साथ। हम सब? इधर आइए ना, क्या कर रहे हैं आप? ये मजाक कर रहे हैं, आप तो जानते हैं ना इन्हें अच्छी तरह से। हेलो कैसा है? क्या बे? हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी। हम लोग सब अंदर चले। ये क्या बदबू है? इतने दिनों से घर तो आ नहीं पाया तो बाहर जो दूध पड़ा था वो सड़ के फिनाइल बन गया। और ये रोज कैंडल, मिनटों में बदबू गायब। कैंडल जलाने से कुछ नहीं होने वाला, इस बदबू को भगाने के लिए ना पूरी बिल्डिंग जलानी पड़ेगी। सुमित भैया आपके पास और कैंडल्स हैं? नहीं तो तकिया दे दे, मुंह दबाकर आत्महत्या कर लेता हूं। आपका हुकुम सर आंखों पर। मेरे पास परफ्यूम का स्प्रे, मार देती हूँ। डॉली तेरे को पता है तेरे परफ्यूम से मुझे एलर्जी है। तुम्हें तो मुझसे ही एलर्जी है। मम्मी जी अब ऐसा लग रहा है कि किसी मरे हुए चूहे पे इतर छिड़क दिया हो। खिड़की खोल लेते हैं और वहां से कूद जाते हैं। माया सोनू के लिए तूने ये केक बनाया? हाँ क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ठीक है, जिस तरह का बर्ताव वो कर रहा है ना वो इसी केक के लायक है। मम्मी जी जो हुआ उसे भूल जाइए ना, भैया का साथ हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? बेटा अब तू हमें ये भी सिखाएगी? माया बेटा तुम आगे बढ़ो, हम हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे, बहुत ही पीछे रहेंगे। आप लोग गए नहीं अभी तक? हाँ भैया हम कहीं नहीं जा रहे, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करके रहेंगे, ये है हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। गिफ्ट है भैया, लीजिए ना, 1 साल की जिम मेंबरशिप। हो गया चले। हाँ चलो चलो चलो। सुमित जिम की 1 साल की मेंबरशिप। गिफ्ट पसंद आया भैया? हाँ क्यों नहीं, इतना बड़ा पिछवाड़ा लेकर जब मैं जिम में एक्सरसाइज करने जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। बहुत पसंद आया भाया, बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि आप खुश होंगे। तुम क्यों नहीं रख लेते, थोड़ा वजन तुम भी घटा लो। हाँ नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर तुम भी पापा जी जैसी फुटबॉल बन जाओगे। फुटबॉल? अबे किस एंगल से मैं फुटबॉल लगता हूँ? प्लीज पापा जी आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये केक? हाँ ये हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। जाइए पार्टी खत्म, पैसा हजम, जाइए जाइए। मेरा केक। अबे मोनू बहुत ही ज्यादा हो गया, अब इस खड़ूस को है ना लाइन पे लाना पड़ेगा। पापा जी पापा जी पापा जी आप बहुत गर्म हो रहे हैं, मैं जानता हूं कि उसने आपकी इंसल्ट की है। अबे उसने मेरे को फुटबॉल बोला, इंसल्ट फील नहीं हुई, पर ये केक का काका बनाया और माया की इंसल्ट की, ये इंसल्ट है। हट जा, देखता हूं मैं इसको भी। देख
चलो अच्छा है, इस केक को खाने से तो बच गए। लग गई क्या पापा जी? अब यहाँ पर भी शांति नहीं मिलेगी क्या? अबे गधे के बच्चे, एक बार बता, इन सब की इज्जत की बेइज्जती करके तू साबित क्या करना चाह रहा है? पापा जी आप ना रहने दो, आप नहीं समझोगे मेरा दर्द। तेरा दर्द? फिर तेरा रोना शुरू हो गया? मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, मेरा भाई मुझसे आगे निकल गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से कट्टी कर दी। आप यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? हाँ प्लीज पापा जी जाइए यहां से। चुप, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। पूरी तरह से शट अप। मैं क्यों? अटेंशन, सावधान। और अब मुंह बंद कान खुले। सब जानता हूं मैं, तेरे जैसे रोंदू खड़ूस को कुछ करना ही नहीं आता, सिर्फ दूसरों को दोष देना आता है। पर मैंने किसको? सावधान। क्यों बे? मेरे घर में दम घुट रहा था तेरा, मर रहा था तू अपने घर वापस आने के लिए, तो फिर अब तो आ गया ना, अब खुश क्यों नहीं है? क्यों दुखी आत्मा बना घूम रहा है? बोल, जवाब दे। क्योंकि यहां पे कोई नहीं है ना जिसको तू दोष दे सके, और यही तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और तभी तू खड़ूस बना घूम रहा है। पापा जी नहीं अच्छा लगता मुझे अकेले रहना। रोज सुबह उठो, अपना नाश्ता खुद बनाओ, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, घर के सारे चूहे खुद मारो। अरे एक आदमी करेगा भी तो कितना करेगा? अब तो रो क्यों रहा है? रोने दो पापा जी मुझे, आज रोने दो। मेरा साथ गाओ। टेंशन, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। दाएं बाएं पीछे घूमेगा, पीछे घूम, दाएं बाएं अटेंशन, विश्राम। सोनू बेटा, प्रॉब्लम किन लोगों के सामने नहीं आते, पर जो बकरी होते हैं ना वो डर के प्रॉब्लम से भाग जाते, और जो बब्बर शेर होते हैं ना वो पंजा मारकर प्रॉब्लम को ही भगा देते। तू बब्बर शेर की तरह दहाड़ बेटा, बकरी की तरह मैं मत कर। जी पापा। सुनाई नहीं दिया? जी पापा सुन। शाबाश बेटा। देख बेटा, बुरा मत मान, क्योंकि मैं तेरा दर्द अच्छी तरह समझता हूं। सच्ची पापा जी। बेटा तू तो फरार हो गया, खुशियां मना, पर मैं तो जिंदगी भर उन्हीं सलाखों के पीछे बस बैठा रहूंगा, ऐसी ताकता रहूंगा। सावधान। पापा जी मैं आपका दर्द समझता हूं। अगर तू मेरा दर्द समझता है ना तो अपनी मां से जाके माफी मांग ले। वो माफ कर देंगी? ये जो लेडी है ना, क्या नाम है इसका? डॉली। हाँ, ये है ना नारियल जेलर है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम, और वैसे भी अपने अपनों को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, समझा ना? समझा। क्या कहा? समझा बाबा जी। सर जी तो फिर चलो, माफी 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 जी। माफी 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 माफी। सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आपने बन्नू की शादी मिस कर दी। सोनू, ऐसी हजारों बन्नू तुझ पे कुर्बान, लेकिन उसकी शादी की कसर तेरी शादी में निकालूंगी, कह देती हूँ। चलो अब सब खुश, दी हैप्पी दी एंडिंग।
अब घर चल के ना धूमधाम से हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन मेरे केक तो सारा खराब कर दिया। ओहो सोनू, तू ये केक खाएगा? तेरे लिए ना घर चल के अच्छा सा केक बनाते हैं। चल हम मिलके बनाते हैं केक। आजा मम्मा, आजा। मेरा केक? चिंता मत कर बेटा, तेरे केक की लाज रखने के लिए मैं हूं जसबीर दी वालिया दी ग्रेट केक ईटर। बम 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 बम